सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आगे चलते हैं कान का त्रास। अभी कान का त्रास क्या क्या है? एक तो कान में से लसी निकलती है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, बड़ों को भी होता है, कान में दर्द भी होता है। कान का दर्द है, कान में से लसी निकलती है, कान में कम सुनाई देता है। ये तीन त्रास तो बहुत लोगों को है। ये तीनों त्रास की एक ही औषध है, तीनों त्रास की एक ही औषध है, देशी गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डालना। पानी आता है ना, देशी गाय का मूत्र एक टेम कान में डालना। तीन दिवस अगर सतत डाल दिया, चौथे दिवस पानी आना बंद। कान कम सुनता है, कान में से पानी आता है, कान में से लस निकलती है, कान में दर्द होता है, ये सब त्रास जितने हैं उसकी एक औषध है, देशी गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डाल। वो डॉक्टर की छोड़ दो, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं आंख में भी कुछ लगाना नहीं कहते हैं ना, और आंख में तो काजल नहीं लगाएंगे तो मोतियाबिंद जरूर हो जाए। आंख जो है ना कफ का स्थान है, और कफ जब बढ़ता है तो मोतियाबिंद आता है। कफ को रोकने के लिए काजल सबसे आवश्यक है। काजल माने कार्बन, जला हुआ कार्बन, यही कफ को रोकता है, तो ये तो बहुत आवश्यक है। बच्चों को बचपन से आप काजल नहीं लगाएंगे ना, बहुत जल्दी चश्मे चढ़ेंगे उसका बच्चों। अब ये डॉक्टर जो बोलते हैं वो एलोपैथी के हिसाब से बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। उनकी जो एलोपैथी है वो अमेरिका और यूरोप में से आई है। अमेरिका और यूरोप है वो बहुत ठंडे देश है, दुनिया में ठंडे देश में जो औषध बनेगी वो गर्म देश के काम की नहीं है, जो गर्म देश में होगा वो ठंडे देश के काम करेंगे। अमेरिका और यूरोप बहुत ठंड देश, -40 डिग्री तापमान है, वहां के लिए जो चीज औषध है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ +40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो वो जो बोलते हैं वो अमेरिका यूरोप के लिए बराबर है। वहां के बच्चों को आंख में कुछ भी लगाएंगे तो त्रास होगा, भारत के बच्चों को नहीं लगाएंगे तो त्रास। समझना काम का हुआ, क्या करना है? गाय का मूत्र एक एक टेम कान में डालना। पानी निकलेगा तो, लस्सी निकलेगी तो, दर्द होगा कान में तो, कम सुनाई देता है, चार स्थिति। आगे चले नाक। प्रश्न तो नहीं कान का, तो नाक जी वो मैल अपने आप निकलेगा। कैसे निकलेगा? भोजन को चबा चबा के खाएंगे तो कान का मैल सब निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकल। गाजर है ना, गाजर रोज उसको चबा के खाइए तो सबसे ज्यादा कान का मैल निकलता है। फुटाने, फुटाने चबा चबा के खाइए, दारिम चबा के खाइए, फिर ये शेन दाना वो चबा के खाइए, चबा के कोई भी चीज खाएंगे कान का मैल अपने आप निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता। हाँ, पर्दा फट गया है तो उसके लिए औषध लेना पड़ेगा होम्योपैथी का। जिनका पर्दा फटा है वो मुझे अलग से बात करें, क्योंकि वो ये सामान्य बात में शामिल नहीं। आगे चले नाक के रोग। अभी नाक के क्या क्या रोग है? सबसे जाती सर्दी, जुकाम, फिर नाक में लोग कहते हैं हड्डी बढ़ना, पॉलिप होना, साइनोसाइटिस, साइनस, ये सब नाक के रोग है ना। इनकी दो औषध सबसे अच्छी, नाक के सभी रोगों की, सर्दी होती है, जुकाम होता है, बार बार सर्दी, बार बार जुकाम, नाक में हड्डी पड़ गई, पॉलिप हो गया, इन सब की सबसे अच्छी औषध है गाय का दूध। कोका गरम करके, हल्का गरम करके नाक में रात्रि को डालना सोने के पहले, गाय का दूध हल्का गर्म करके कोमल एक एक टेम दोनों नाक में डालना कभी सोने के पहले। ले लिया गाय का दूध, थोड़ा गर्म करके हल्का गर्म कोमल
एक एक पैर दोनों नाक में डालना। तो नाक की क्या क्या समस्या ठीक होगी? सर्दी खत्म, जुकाम नहीं होगा, छींक नहीं आएगी, बार बार नाक से पानी नहीं निकलेगा, नाक में हड्डी बढ़ गई तो कम होगी, पॉलिप हो गया, मांस बढ़ गया तो कम होगा, नाक कभी बंद नहीं होगी। और सबसे अच्छी एक बीमारी खत्म होती है, रात को जब सोते हैं ना और नाक बजती है और इतना तेज आवाज होता है कि पड़ोसी सुनता है, सोने वाले को माहिती नहीं है, ये नाक बजना बिल्कुल बंद हो जाए। एक एक टेन गायका क्या तू मूत्र नहीं तू, नाक में हमेशा तू, कान में हमेशा मूत्र, आंख में मूत्र, कान में मूत्र, नाक में तू। तो नाक की ये सब बीमारी थी। एक और हो जाए स्वप्न नहीं पड़ता ना, नाक में तूप डाला, हाँ खराब स्वप्न नहीं आते। अगर नाक में तूप डाल के सोइए, झोंक बहुत अच्छी होती है। अच्छी झोंक का पता है लक्षण क्या है? स्वप्न नहीं होना, तो अच्छी है। अगर स्वप्न होते हैं झोंक अच्छी नहीं, स्वप्न नहीं है तो झोंक अच्छी, अच्छी झोंक के लिए तूप सबसे अच्छी, ठीक है। नाक का हुआ, आगे चले, आगे चले या विश्रांति ले? विश्रांति आप कुछ पूछ रहे? रात्रि को नाक चौक होता है तो नहीं होगा, तूप डालेंगे बिल्कुल खुल जाएगा ना, दोनों नाक से बराबर सब बहुत अच्छी होगी। नाक में तूप डालेंगे मिर्गी का रोग कभी नहीं आ सकता। मिर्गी आता है ना, मिर्गी मिर्गी सुना फिट का रोग नहीं आएगा, एपिलेप्सी नहीं होगी, झोंक बहुत अच्छी होगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर घटेगा भी नहीं। नाक में तूप डाल के सोते रहेंगे कभी भी अर्धांग वायु नहीं हो सकता, पैरालिसिस नहीं हो सकता। नाक में तूप डाल के सोने से कम जिंदगी में 50 रोग नहीं आ सकते, बाल कभी पांडरे नहीं होंगे, नाक में तूप डाल के सोएंगे बराबर काले नहीं, बाल कमजोर नहीं होंगे, जल्दी गलेंगे नहीं, टूटेंगे। तो जो लोग स्वस्थ हैं आप में से सब तो गांव से ही आए हैं ना, तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ, शहर वाले मरने दो उनको। कौन सी टाइप का प्रश्न है? भैंस का टूप नहीं डालना, टाई बहुत तकलीफ हो जाएगी। जब भी टूप डालना तो गाय का ही डालना, नहीं मिलता है तो क्या उपाय करना? उसका उपाय ये करना कि आपके शहर में कोई डेयरी है, वो गाय का दूध अगर देती है तो वो दूध का दही बनाना, दही बना के उसमें से लोमी निकालना, लोमी निकाल के टूप बनाना, वो डालना, उसका उपाय ये। नहीं तो टाई एक गाय लेना, अभी कार ले सकते हैं तो गाय भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो गाय भी ले सकते हैं। अभी शहर वाले कितने मूर्ख हैं, मैं शहर वालों को कहता हूँ पढ़े लिखे इडियट, वो घर में कुत्ता लेते हैं, गाय नहीं लेंगे, हाँ कुत्ता रखेंगे, गाय नहीं रखेंगे। और कुत्ता क्या प्रयास करता है, जब देखो टांग उठा के कहीं भी मुंह देगा और सूख कर जरूर मुटेगा, जो अच्छी जगह है वहां जाकर मुंह देगा, कहीं पर भी संडास कर देगा, उसको साफ करने के लिए तैयार है। गाय ले जाते, कुत्ता ले जाते, कुत्ते को रोज साकल बांध के टहलने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए। अरे गाय ले लो भाई, ये कुत्ते से तो कुछ होने वाला नहीं है, सारा सामान ही कुत्ते जैसा हो गया है। अभी हमको गाय जैसा सामान करना, तो चाहिए अगर मिल जाए तो एक गाय ले लो, घर के सामने रखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले त्रास देंगे तो आप मुझे बोलना, मैं आपके लिए मुकदमा लड़ूंगा। हाँ मैंने बहुत शहरों में, मुंबई में मुकदमे लड़े। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा
राह तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।